ये था कि किस प्रकार से फतेह सिंह जोरावर उनकी शहादत हुई, किस प्रकार से उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, कितनी कठिन यातनाएं उनको दी गई, वह कभी नहीं पढ़ाया गया। भाइयों बहनों, ये नया कालखंड अगर किसी के समय में शुरू हुआ है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में शुरू हुआ। आज हम करतारपुर कॉरिडोर की बात करते हैं। आप देखिए, देश की आजादी के इतने साल हो गए, कभी किसी के ध्यान में नहीं आया कि यह कॉरिडोर बनना चाहिए, यहां की यात्रा होनी चाहिए, लोगों को दिखाया जाना चाहिए। हेमकुंड साहब, यहां की यात्रा अत्यंत ही कठिन होती थी, 3 दिन 4 दिन लग जाते थे, और जो बुजुर्ग लोग होते थे उनके लिए तो यात्रा अत्यंत कठिन होती थी। अब सभी के लिए वो यात्रा आने वाले समय में सरल हो जाएगी। 3 दिन 4 दिन जो लगते थे अब 3 दिन 4 दिन नहीं लगेंगे, बल्कि कुछ ही घंटों में गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहब जो 16 किलोमीटर की यात्रा है वो कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगी। भाई हो गया, यह काम भी किसी और ने नहीं किया। आज गुरु गोविंद सिंह जी का दिवस मनाना हो, उनका शहीदी दिवस हो या प्रकाश पर्व हो, 350वां दिवस हो, देश के अंदर अगर बड़े बड़े कार्यक्रम किसी सरकार में आयोजित किए जा रहे हैं तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में ही हो रहे हैं। ये प्रश्न है भाइयों बहनों कि क्या यह काम देश की आजादी के इतने सालों में नहीं हो सकता था? 75 साल आजादी के पूरे हो गए, 75 सालों में किसी को याद नहीं आई। पहली बार किसी को याद आई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को याद आई। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने अपना जीवन इसी धरती से शुरू किया है, भारत माता को समर्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, और देश के अंदर जिन जिन लोगों का भी योगदान है, जिन जिन महानुभावों का योगदान है, जिन्होंने अपनी शहादत दी है, अपना बलिदान दिया है, अपना योगदान दिया है, अपना संघर्ष किया है, उन सभी का स्मरण देश की आजादी के अमृत महोत्सव में किया गया है। भाइयों बहनों, मैं आज हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राओं से कहना चाहता हूं कि आज अगर हम बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह जी का यह बाल दिवस, वीर बाल दिवस मना रहे हैं तो इसलिए मना रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन को लगाया, धर्म की रक्षा के लिए लगाया है, और वो हमारे लिए एक पीछे अध्याय छोड़कर गए कि उस अध्याय पर हमको चलना है। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसे महान बलिदानियों के जो प्रेरक प्रसंग है, इस प्रकार के प्रसंग है जिसमें उनकी बहादुरी दिखती हो, जिसमें शौर्य दिखता हो, पराक्रम दिखता हो, सुनाकर उन्हें जागरूक करें, क्योंकि इन्हीं बलिदानियों की नींव पर रखी गई भारत की स्वतंत्रता हमें अपने कर्तव्यों को ठीक प्रकार से पालन करने की शक्ति प्रदान करेगी। और वैसे भी आने वाला जो कालखंड है, यह आजादी का जो अमृत महोत्सव हो गया, आजादी का अमृत काल जो 2047 तक हमारा चलेगा, भाइयों बहनों हमको याद करना चाहिए कि जहां आजादी के इतने सालों में हम आगे बढ़े हैं, भारत ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है, नए नए आविष्कार किए हैं, नई नई क्रांतियां की हैं, अनेक क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं। आज दुनिया के अंदर भारत हर क्षेत्र में नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजेक्शन अगर किसी देश के अंदर हो रहा है तो हमारे देश भारत के अंदर हो रहा है। आज दुनिया के अंदर कोई क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो निर्यात का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में आज भारत के हर भारतवासी के अंदर एक भाव पैदा हुआ है कि हम हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ सकता है। जहां कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, ग्रोथ रेट रुक गई,
वहीं भारत के अंदर इस कोरोना महामारी का जहां सफलतापूर्वक उसको व्यवस्थित करने का काम हुआ, देश को आगे बढ़ाने का काम हुआ, देश की ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाने का काम हुआ, वहीं जो अर्थव्यवस्था हमारी 12वें नंबर पर 15वें नंबर पर होती थी, आज भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। और 2047 आते आते इन 25 सालों में जब हमारे देश के नौनिहाल, हमारे देश के ये छात्र ये छात्राएं जिनकी आयु आज 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, अगले 25 सालों में इनकी मेहनत से, इनके परिश्रम से, इनकी लगन से, इनके कार्यों से भारत दुनिया की नंबर वन की अर्थव्यवस्था बनेगा, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे इस प्रकार की अपेक्षा की है। आज के अवसर पर मैं सभी बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने कर्म क्षेत्र में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें, लगन से, मेहनत से, संकल्प से, और धरती से आसमान को छूने का काम, साधारण से असाधारण की यात्रा करें। दुनिया के अंदर जितने लोगों ने भी इतिहास बनाया, जिन्होंने भी इतिहास रचने का काम किया, वो सारे के सारे सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए, उन्होंने ही जीवन में इतिहास बनाने का काम किया है। तो आप सबकी जिन क्षेत्रों में जाएं, उन क्षेत्रों में अपने सर्वोत्तम को देने का काम करें और संकल्प लेकर, अपना ध्येय बनाकर, अपना लक्ष्य बनाकर जीवन में आगे बढ़े, और ऐसे महापुरुषों से हम हमेशा प्रेरणा लेकर, कहीं ना कहीं उनके प्रेरक जो जीवन के किए हुए कृत्य है, काम है, उन कामों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम करें। अंत में इस विशिष्ट कार्यक्रम में आज कल ही मैंने बाबा जी से कहा था कि बाबा जी, ये कल का दिन हमारे लिए बहुत ऐसा दिन है जो पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी का शहादत हुई थी, उस दिन के अंदर में विद्यार्थियों के पास मिलना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ गुरु घर में, और नाना गुप्ता साहब में आकर मैं मत्था टेकना चाहता हूँ। तो एक जल्दी में आपने कार्यक्रम बनाया उसके लिए, और सभी इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाया, मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। और आज का दिन एक और महत्व का दिन है, शहीद उधम सिंह जी का भी आज जन्म दिवस है, जिन्होंने जलियांवाला बाग के कांड के समय के गवर्नर, जिन्होंने क्रूरतम अपने समय में गोलियां चलवाई थी, लाठियां चलवाई थी, लोगों के ऊपर तमाम प्रकार के अत्याचार किए थे, उनके ऊपर लंदन में जाकर उनको मौत के घाट उतारने का काम किया था, और इसी उन्हीं के नाम से हमारे जनपद का नाम भी है उधम सिंह जी के नाम से, शहीद उधम सिंह जी का भी जन्म दिवस है, मैं उनको भी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, और पुनः एक बार वीर साहबजादों के चरणों में सादर नमन करते हुए अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोलिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।